तमिलनाडु में जहां बीजेपी एक तरफ अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी को इसी दौरान राज्य में फजीहत का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह सिर्फ एक कैंपेन वीडियो है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तमिलनाडु के चुनावी माहौल में बीजेपी को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। वजह बना एक वीडियो जो बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने मंगलवार यानी 30 मार्च को ट्विटर पर शेयर किया था। 5 मिनट के इस वीडियो में एक क्लासिकल डांसर को डांस करते हुए दिखाया गया। इसके जरिए तमिलनाडु की संस्कृति और सभ्यता का बखान किया जा रहा है। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि जो महिला डांसर बीजेपी के इस प्रमोशनल वीडियो में दिख रही है, वह उसकी दूर विरोधी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम के परिवार की सदस्य है। फिर क्या था, बवाल हो गया। तमिलनाडु बीजेपी ने राज्य की संस्कृति और सभ्यता को दिखाने के लिए 28 मार्च को एक वीडियो ट्विटर पेज पर डाला। वीडियो का टाइटल था, कमल को खिलने दो, तमिलनाडु को बढ़ने दो। वीडियो में एक महिला क्लासिकल डांस करती नजर आ रही है। उसे बीजेपी ने चुनावी माहौल में अपने प्रमोशन के लिए डाला था। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम शायद इस बात से अनजान थी कि जिस महिला डांसर का वीडियो वो पोस्ट कर रहे हैं, आखिर वो है कौन। वह महिला कोई और नहीं बल्कि वित्त मंत्री रहे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की बहू और सांसद बेटे कार्ति चिदम्बरम की पत्नी डॉक्टर श्रीनिधि है। एक और दिलचस्प बात ये भी है कि जिस गाने पर वह नृत्य कर रही है, उसे डीएमके के पूर्व अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम करुणानिधि ने लिखा था। ऐसे में बीजेपी की किरकिरी होना तो तय ही थी। बीजेपी के इस वीडियो पर एक जर्नलिस्ट की नजर पड़ी। उन्होंने पूरा मामला बताते हुए ट्वीट कर दिया। फिर क्या था, ट्विटर पर तमिलनाडु बीजेपी को ट्रोल किए जाने लगा। इतना ही नहीं, डांसर श्रीनिधि चिदम्बरम ने भी रिएक्शन देते हुए कह दिया, कमल तमिलनाडु में कभी नहीं खिलेगा। तमिलनाडु कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। तमिलनाडु कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, डियर बीजेपी, हम समझ सकते हैं कि किसी की सहमति के विचार को आप नहीं समझ सकते, लेकिन आप श्रीनिधि चिदम्बरम की तस्वीर बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस हरकत से साबित होता है कि बीजेपी का कैंपेन झूठ और प्रोपेगेंडा से भरा हुआ है। बता दें कि तमिलनाडु में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होना है, रिजल्ट 2 मई को आएगा। बीजेपी वहां पूरा जोर लगा रही है। राज्य की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके का पिछले 50 साल से दबदबा रहा है। बीजेपी यहाँ एआईएडीएमके के साथ मिलकर 25 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस ने डीएमके से हाथ मिलाया है और 25 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।